हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th से प्रैक्टिस सेट 6.6 स्टैटिक्स लेसन से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज ही पूरी बेस है सेंट्रल एंगल के ऊपर। सेंट्रल एंगल से मतलब आपको बनाना रहेगा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बनाने के लिए सेंट्रल एंगल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फार्मूला है सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर इन अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 360। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी बेस पे इसके सारे क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। पाई डायग्राम आपको ड्रा करना है। एज ग्रुप गिवन है इयर्स में 20 to 25 ईयर 25 to 30 ईयर 30 to 35 ईयर 35 to 40 ईयर। ये ईयर है, ये क्लासेस ईयर का है, लेकिन इसका यूज हमको नहीं है, ठीक है। वो कंफ्यूज आप बिल्कुल नहीं होना, उसका यूज कुछ भी नहीं, केवल एज ग्रुप है। अब नंबर ऑफ पर्सन 80 60 35 25। ये आपके 80 60 35 25, ये क्या है, नंबर ऑफ स्कोर है। तो सबसे पहले हम ये टेबल को ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में कर लेंगे। एज ग्रुप हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गया, और हमने यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई 360, हमने ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब एज ग्रुप क्या है, 20 to 25, और इसमें पर्सन कितने, 80% है। 25 से 30, इसमें पर्सन है 60। 30 to 35 में पर्सन है 35 to 40 में पर्सन है टोटल 25। तो सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्कोर गिवन है इस स्कोर को ऐड करेंगे। 80 60 35 25, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा, 200, ओके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 200 के बेस से सेंट्रल एंगल सारे एज ग्रुप के लिए निकालना है। सबसे पहले 20 और 25 एज ग्रुप के लिए जो है इसका हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट क्या है, 80 है, तो लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 200 है, तो यहां देख देंगे 200। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो मतलब ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 36, और आपको पता है 36 4 जा 100 144 होता है, कितना होता है 144। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सेंट्रल एंगल की जो यहाँ पे आ गया 144 डिग्री हो गया। सेम ऐसे हम सारे कंपोनेंट के लिए निकालेंगे। यहाँ पे 60 है तो लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या है, 200। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा कि 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है आपका 30 से 35 में पर्सन कितने हैं, 35, तो ये हो गया 35 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 200, ओके। तो इसमें तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक जीरो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको कर लीजिए 4 से डिवाइड, पहले 5 से करिए, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, और ये 5 4 जा 20। अब इस 4 से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, 9 7 जा कितना हो गया 63, आपका वो मिल गया कितना 63 डिग्री, ओके। अब सेम ऐसे हम करेंगे किसके लिए, 35 से 40 एज ग्रुप के लिए। ये हो गया आपका 25 25 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 200, ओके। अब इसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर से वैसे करेंगे 5 से करेंगे, तो ये 4 टाइम्स आएगा, और ये 5 टाइम्स, और 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 9 और 5 का करेंगे 9 5 जा 45, कितना हो गया 45 डिग्री। ये आपके क्या हो गए, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, सेंट्रल एंगल आ गया है
तो सेंट्रल एंगल जब भी आ गया, अब इसके बेस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पाई डायग्राम ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, पाई डायग्राम ड्रा करना है। तो पाई डायग्राम ड्रा करने के लिए हमको डी की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी और एक सर्कल बनाना पड़ेगा। आप सर्कल किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, सर्कल जो है आप किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली आप 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक सर्कल जब राउंडर से आप बना लेंगे उसके बाद एक लाइन आप खींच देंगे, ठीक है, सेंटर से उसके, और उसके बाद उसी के ऊपर आप अपने एंगल को डिनोट करते हुए बनाते चले जाएंगे। सबसे पहला एंगल है आपका 144, तो आप इसके सेंटर पे अपने डी को रखेंगे ऐसे और 144 काउंट करेंगे। 144 कहां से काउंट करना है, जिधर लाइन आपकी है उधर से 144 काउंट करना है। ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये 130 हो गया, और आपको कितना करना है 144, तो 144 आपका यहां पे आएगा, ठीक है, 144 आपका यहां पे आ जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको आप ज्वाइन कर देंगे। और ये एंगल आप शो कर देंगे कितने डिग्री का, 144 डिग्री, ओके। और यहां पे ये कौन सा एज ग्रुप है वो आंसर भी लिख देंगे, 20 to 25 एज ग्रुप, ये आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पहला आपका सेंट्रल एंगल पाई डायग्राम में हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 108 आप अब कैसे ड्रा करेंगे, जो न्यू लाइन आपको मिली है उसी के ऊपर अपने डी को घुमा के रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे आप, ठीक है। और जब घुमा के रखेंगे और जिधर लाइन है उधर से काउंटिंग करते आएंगे 108 पर, तो ये 110 है, 110 से थोड़ा सा पहले यहां पे आपका 108 मिल जाएगा। तो इसको विद द हेल्प आप स्केल क्या कर देंगे, फिर से ज्वाइन कर देंगे, ये आपका हो गया कितना 108 डिग्री, ओके। और ये कौन सा एज ग्रुप है, 25 to 30 एज ग्रुप, ओके। तो इस तरीके से आप यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन जब भी ड्रा करेंगे आपको है क्या कि 30 से 35 के लिए एज ग्रुप सेंट्रल एंगल है 63 डिग्री, तो आप 63 डिग्री न्यू लाइन से बनाएंगे। न्यू लाइन को आप ऐसे अपने डी को यहां पे रखेंगे और इसी लाइन से आप काउंट करेंगे 63। तो आप देखिए यहां पे ये 0, 10, 30, 40 और यहां पे ये 60 आ गया और ये हो गया आपका 63, तो ये 63 हो गया। तो इस तरीके से ये 63 से आप इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये 63 डिग्री पर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया 63 डिग्री। और ये कौन सा एज ग्रुप है, एज ग्रुप है ये आपका 30 से 35 एज ग्रुप है, एज ग्रुप, तो एज ही शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे एज ग्रुप, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचा वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा 45 डिग्री, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आप चाहे मेजरमेंट ले सकते हैं, ये 45 डिग्री ही रहेगा। और इसका एज ग्रुप क्या है, 35 से 40 एज ग्रुप है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन, ड्रा अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है, सब्जेक्ट इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, ये गिवन है। मार्क है 50, 70, 80, 90, 60, 50। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में लिख लिया, सब्जेक्ट ये सारी डाटा हमने लिख लिया। अब इस डाटा को जब हमने ऐड किया 50, 70, 80, 90, 60, 50, इन सबको ऐड किया, आ गया 400। और 400 के अकॉर्डिंग हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल निकाला, कैसे, फार्मूला है हमारा, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई 360। तो
यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 400 किया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 9 36 9 5 45 आपको मिल गया सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। ओके, सेम ऐसे इधर करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 9 36 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63 डिग्री। सेम ऐसे फिर जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 9 36 9 8 72 डिग्री। यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 9 36 9 9 81 डिग्री। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 9 36 9 6 54 डिग्री। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 4 1 4 4 9 36 9 5 45 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट पे हमने क्या कर लिए, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए। इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री, मराठी के लिए 63 है, साइंस के लिए 72 है, मैथ्स के लिए 81 है, सोशल साइंस के लिए 54 है, हिंदी के लिए 45 डिग्री। ओके, अब हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, इसका सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, आप 3 या 4 सेंटीमीटर का क्या करिए, एक सर्कल ड्रा कर लीजिए और उसके बाद एक लाइन खींच दीजिए विद द कहाँ से, सेंटर से, सेंटर से आप सर्कमफेरेंस तक एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद उसी बेस पर लेते हुए आप सारे सेंट्रल एंगल को ड्रा करिए। सबसे पहला एंगल जो है आपका है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 45 डिग्री है, तो 45 जब इसको आप ऐड करेंगे बनाएंगे तो इसको यहाँ पे डी को अपने यहाँ पे रख देंगे और 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिधर लाइन है उधर से ही काउंट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। अब इसको स्केल से क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है। ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया, और ये किसके लिए हो गया, कौन सा सब्जेक्ट, यहां पे सब्जेक्ट लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरे एंगल बनाने के लिए फिर तब हेल्प लेंगे, किसकी लेंगे, डी की, और नई लाइन पे हम इसको डी को घुमा के रखेंगे और बनाएंगे जितना सेंट्रल एंगल है अपना, कितने डिग्री का, 63। तो यहाँ पे 63 बनाएंगे, जीरो से लेते हुए ये 60 हो गया और ये 65 और यहां से 63 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और स्केल से इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 63 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका मराठी है, तो यहां लिख देंगे मराठी। नेक्स्ट सेंट्रल एंगल ड्रा करेंगे नई लाइन से, नई लाइन मराठी वाली लाइन है यहां से, और कितने डिग्री का ड्रा करेंगे, 72। तो 0 से ऐसे काउंट करते आएंगे, जिधर लाइन है उधर से काउंट करेंगे और 72 आपका आ जाएगा, ये 70 और ये 72 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये आपका 72 डिग्री हो गया। सब्जेक्ट कौन सा है 72 के लिए, साइंस है, यहाँ आप लिख देंगे साइंस। ओके, अब नेक्स्ट सेंट्रल एंगल ड्रा करेंगे मैथ्स के लिए, मैथ्स 81 डिग्री ड्रा करना है आपको, तो न्यू लाइन से ही करना है आपको। न्यू लाइन से ही ड्रा करना है आपको। ठीक है, 0 10 ऐसे काउंट करते आए तो ये 80 हो गया और इसमें क्या है 81 है, तो यहां पे आपका ये 81 का आ गया। स्केल से ज्वाइन कर देंगे और यहां पे कितने डिग्री का बन गया, ये 81 डिग्री का। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, तो लिख देंगे यहां पे मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोशल साइंस, सोशल साइंस 54 डिग्री आपको ड्रा करना है,
तो इसके अपने डी को वहीं पे रखेंगे न्यू लाइन पे और 54 डिग्री का एंगल आपको ड्रा करना है। जीरो से काउंट करते आए ये 50 आया और ये 54, यहाँ पे एक डिग्री आ गया इधर, तो ये हो गया आपका 54 डिग्री। और इसको लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका कितने डिग्री का हो गया, 54 डिग्री। और ये सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। और जो रिमेनिंग बचा वो ऑटोमेटिक 45 डिग्री का हो जाएगा, चाहे आप डी से मेजरमेंट ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो इस तरीके से आपको पाई डायग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रा अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स कौन सी क्लास से हैं, फिफ्थ से लेकर टेंथ तक हैं, और नंबर ऑफ ट्रीज क्या है, 40, 50, 75, 50, 70, 75 है। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे 40, 50, 75, 50, 70, 75 को ऐड जब हमने किया तो ये आ गया 360 आ गया। कितना आ गया, 360। अब 360 आ गया तो आपको पता है सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्क्वायर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई 360। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर भी आ गया है 360 और यहाँ पे फार्मूले में भी 360 है। तो ये तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन इसका, डायरेक्ट यहाँ पे 360 कैंसिल आउट करके वही सेम नंबर आ जाएगा। तो ये 360 कैंसिल, इधर हो गया 40 डिग्री, ओके। और ये सेम यहाँ पे यही हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो ये 75 डिग्री हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा ये हो गया 50 डिग्री, ये कैंसिल होगा ये हो गया 70 डिग्री, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा हो गया 75 डिग्री। और ये सारे सेंट्रल एंगल को अगर हम ऐड करके चेक करें तो ये भी 360 आता है। तो यहाँ पर भी हम 360 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने सेंट्रल एंगल हैं अगर उसको हम जब भी ऐड करेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उसमें 360 ही आना कंपलसरी। अगर 360 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं तो रॉन्ग किया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पाई डायग्राम बना लेते हैं। पाई डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके पाई डायग्राम में सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का आपको ड्रा कर लेना है। उसके बाद एक लाइन ड्रा करना है, फिर उससे आपने 40 डिग्री एंगल का बनाया जो कि आपका क्लास फिफ्थ का था, ऐसे 50 डिग्री एंगल बनाया वो सिक्स का था, 75 बनाया वो सेवन क्लास का था, और 50 डिग्री बनाया जो कि एट्थ क्लास का था, 70 डिग्री बनाया नाइन्थ क्लास का था, 75 डिग्री था वो टेंथ क्लास का था। तो इस तरीके से पाई डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बनाना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डिमांड्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स रजिस्टर्ड विद अ फ्रूट वेंडर, शो द इंफॉर्मेशन बाय पाई डायग्राम। तो आपको ये फ्रूट्स का एक टेबल गिवन है, फ्रूट्स मैंगो है, स्वीट लाइम है, एप्पल्स है, चीकू है, ऑरेंज है, 30, 15, 25, 20, 10, ये सारे आपको डाटा गिवन है। तो इस डाटा को हमने इस फॉर्म में सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंगो 30 है, ये 15 है, 25, 20, 10, इन सबको ऐड किया तो आ गया 100, ठीक है। तो अब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाई 360। तो यहाँ पे मैंगो का कंपोनेंट कितना है, 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का 6 36 में मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा आपका 3 6 18 कैरी 1, और 3 3 9 1 10 108 डिग्री। यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 15 और ये 5 2 10, 2 से इसको सिंप्लीफाई किया 18 हो गया, 18 3 54, ये आ गया आपका 54 डिग्री। सेम ऐसे ही 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको डिवाइड किया तो हो गया ये 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 20 है तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 36 दैट इज 72 डिग्री, ओके। और यहाँ पे 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 36 डिग्री,
ओके तो अब क्या करना है, इन सारे परसेंटेज को अगर डिग्री को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 360। अगर नहीं आता है तो मतलब आपने कहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग किया है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये 8 4 12 12 2 12 और 2 14 14 6 20 कैरी 2 2 5 7 7 9 16 16 7 23 23 3 26 2 carry 2 1 3 ये आ गया आपका 360। अब इसके बिहाफ पे हमको बनाना है क्या, पाई डायग्राम बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पाई डायग्राम बनाने के लिए हमको एक डी की जरूरत पड़ेगी और एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल वो भी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सर्कल बना लीजिए और एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी एंगल आपका सेंट्रल एंगल आया उसको आप ड्रा कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ से लेंगे स्टार्ट करेंगे, ये 108 डिग्री है, तो ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, ये 110 है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया आपका 108 डिग्री। ओके तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 108 डिग्री और ये किसके लिए है, कौन सा कंपोनेंट है, मैंगो है, तो यहां पे लिख देंगे मैंगो। ओके अब इसी न्यू लाइन से आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंगल ड्रा करना है स्वीट लाइन के लिए 54 डिग्री पर। तो यहां से ऐसे ड्रा करेंगे 54, यहां से 0, ये 30 40 54, यहां पे आ जाएगा ये, ये आपका कौन सी डिग्री हो गई, 54 डिग्री पर, ठीक है। और ये 54 किसका है, स्वीट लाइन, तो यहां लिख देंगे स्वीट लाइन। नेक्स्ट आपका जो एंगल है, एंगल नेक्स्ट ड्रा करना है आपको वो है 90 डिग्री एप्पल्स के लिए, तो एप्पल्स के लिए 90 डिग्री ड्रा करना है आपको, तो 90 डिग्री यहां से हो गया, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस। ये 90 डिग्री आपका हो गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री के लिए एप्पल से, तो यहां लिख देंगे एप्पल कंपोनेंट। ओके नेक्स्ट है आपका एप्पल्स के बाद चीकू है, चीकू का जो डिग्री है एंगल वो है 72 डिग्री, यहां से बनाएंगे 72 डिग्री, जीरो 90 ये आ गया आपका 72 यहां पे आ गया, ठीक है ये आपका 72 डिग्री हो गया और ये क्या कहलाएगा आपका, चीकू। और लास्ट वाला ऑटोमेटिक आपका 36 डिग्री हो जाएगा जो कि क्या है, ऑरेंजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पाई डायग्राम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ड्रा करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द पाई डायग्राम इन द फिगर शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर इन अ टाउन, एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ इट्स हेल्प। तो एक पाई डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है और उसके बेस पे आपको क्या करना है, आंसर सॉल्व करके देना है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो सेंट्रल एंगल है 72 डिग्री है, फूड के लिए 48 डिग्री है, एग्रीकल्चर के लिए 24 डिग्री है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 18 डिग्री है, एडमिन के लिए 36 डिग्री है, प्रोडक्शन के लिए 90 डिग्री है, होटल के लिए 72 डिग्री है। तो ये क्या है, सेंट्रल एंगल गिवन है, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, मतलब नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट कितना है, 10,000 है, हाउ मेनी देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आपको बताना है कि कितने कंस्ट्रक्शन में मेंबर काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, वही सेंट्रल एंगल का फार्मूला जो है वही लिख लेते हैं और एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलेंगे। लिखेंगे यहां पे सेंट्रल
एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट गिवन है 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपका सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है, तो यहां पे हम लिख देंगे वैल्यू, सेंट्रल एंगल क्या है 72 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे 72 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे पूछ रहा है, देखिए हाउ मेनी ऑफ देम आर फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने हैं, तो यहां पे यही लिख देंगे वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन, ये आपको गिवन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 10,000 है, यहां लिख देंगे 10,000। ओके, एक जीरो से एक जीरो यहां पे कैंसिल हो गया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका 72 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये 36 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया 36 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। यहां पे देखिए आपको 36 वन जा 36, 36 टू जा 72, तो ये टू टाइम्स जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, ये हो गया 2000 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। ओके, और ये वैल्यू ऑफ कंपोनेंट किसके लिए, फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आंसर लिख देंगे 2000 वर्कर, 2000 वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना आप कर लीजिए, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन में। ठीक है, तो एडमिन के लिए सेंट्रल एंगल आपका 36 डिग्री है और यहाँ पे हाउ मेनी वर्कर, वर्कर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर आपको पता है 10,000 है, तो ये सारी वैल्यूज इसी फार्मूले में रख देंगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 10,000 है वो क्लियर है आपको, तो सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल है आपका, सेकंड का सेंट्रल एंगल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिन के लिए 36 है, तो यहां पे लिखेंगे 36 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 10,000 है, तो यहां पर लिखेंगे 10,000। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया ये 36 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 360, ओके, अपॉन वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। तो यहां पर देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 36 वन जा 36 और ये 36 वन जा 36 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बच रहा है, 1000 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट। और यहां पे वैल्यू ऑफ कंपोनेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिन, तो वर्किंग कितने कर रहे हैं, आपको ये वर्कर कितने हो गए, 1000 हो गए, तो लिखेंगे देयरफॉर 1000 वर्कर वर्किंग एज एडमिन। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, तो वर्कर्स का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन के लिए एंगल है आपका 90 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल के प्लेस पे लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ
कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल, टोटल आपको क्या गिवन है 10,000, यहां आप लिखेंगे 10,000, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 90 मल्टीप्लाई 10,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, ओके। यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, तो ये 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 टू कैरी 4 5 ये 2500 आ गया वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, ओके। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आपको परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वर्कर, परसेंटेज ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दैट इज 25%, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपको एक पाई डायग्राम गिवन है, इसमें पाई डायग्राम में इमूवेबल प्रॉपर्टी 120 डिग्री, इसका सेंट्रल एंगल है, शेयर्स के लिए 60 डिग्री है, पोस्ट के लिए 30 डिग्री है, डिपॉजिट इन बैंक के लिए 90 डिग्री है, म्यूचुअल फंड्स के लिए 60 डिग्री, ये सेंट्रल एंगल है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट करना है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2000, मतलब शेयर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 2000 रुपीज है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी फार्मूला हमारा लगेगा, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो इसमें क्या क्या गिवन है आपको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले ये शेयर्स है, शेयर्स के लिए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो इसके नीचे लिख देंगे 60 डिग्री, ओके। उसके बाद वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट इन शेयर गिवन है 2000, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है 2000 है, लिख दिया यहां पे, मल्टीप्लाई 360 है, लिख दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या है ये, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन में ये लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको यहीं पे लिख सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा 60 आ जाएगा इधर और ये जाएगा ऊपर, तो हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 6 36, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएगा क्या 12,000, लिखेंगे यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 6 2 12,000, क्या हो गया 12,000 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 12,000 रुपीज, यहां पे लिख लेंगे ऐसे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट किया, तो इसके लिए भी फार्मूला हम यही अप्लाई करने वाले हैं और इसी फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बैंक के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपका क्या है, यही फार्मूला लगेगा, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो बैंक के लिए आपका जो सेंट्रल एंगल है डिपॉजिट इन बैंक के लिए 90 डिग्री है, तो सेंट्रल एंगल के नीचे लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिट इन बैंक, तो यहां पे आपको ऊपर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां आप लिखेंगे डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड इन बैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसके प्लेस पे आपको जो फार्मूला मिल वैल्यू आई थी क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000, तो नीचे लिख देंगे 12,000 मल्टीप्लाई 360। ओके, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 12,000 और ये 360 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो गया 360 इज इक्वल टू डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 4 36, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 3 12, ये हो गया आपका 3000, मतलब बैंक में उसने कितना डिपॉजिट किया, लिखेंगे देयरफॉर डिपॉजिटेड इन बैंक इक्वल टू 3000 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी निकालना है और म्यूचुअल फंड्स, मतलब इन दोनों का आपको टोटल निकालना है, रुपीज कितने लग रहे हैं, उसके बाद उसका दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेंट्रल एंगल है 120, तो यहां आप लिखेंगे 120 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यहां पर निकालना किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो यही वर्ड लिख देंगे, इन मूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, क्या है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि 12,000 आ गया है, यहां आप लिख देंगे 12,000 मल्टीप्लाई 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 120 मल्टीप्लाई 12,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 12 1 12 12 3 36, ये 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 3 3 4 12, तो आपको जो मिल गया, देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी आ गई, आ गई 4000 रुपीज। ओके, अब सेम इसी तरीके से हमको निकालना है म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो यहां पे यही फार्मूला लगेगा, इसी में करते हैं, यहां पे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, 120 के प्लेस पे, यहां पे सेंट्रल एंगल के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो लिख देंगे देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मल्टीप्लाई 360 अपॉन 12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका 60 मल्टीप्लाई 12,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 6 1 6 6 6 36 6 1 6 6 2 12, ये हो गया आपका 2,000, देयरफॉर म्यूचुअल फंड क्या आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया आपका 2,000 रुपीज। ओके, अब आपको क्या करना है, बोल रहा है कि हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी देन म्यूचुअल फंड, तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहां पे 4,000 है, यहां पे 2,000, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2,000, इसका मतलब 2,000 ज्यादा उसने जमा किया, तो हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट यहां पे, देयरफॉर 2,000 रुपीज is invested in immovable property than in mutual fund।
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करना था। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो पोस्ट का जो सेंट्रल एंगल है वो है 30 डिग्री, तो इसी में हम रख देंगे सेंट्रल एंगल फार्मूले में 30 डिग्री इज इक्वल टू इन्वेस्टेड इन पोस्ट, इन्वेस्टेड इन पोस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12,000 आया था, उसको यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाई 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 12,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन पोस्ट। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 ये आ गया 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 12 और ये 12 × 12 ये हो गया 1000। तो देयरफॉर इन्वेस्टेड इन पोस्ट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया और आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।